राजधानी शिमला की सड़कों को चकाचक करने का कार्य शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत खलीनी वार्ड से हो गई है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही थी, जहां अब इस मेटलिंग से वार्ड की जनता को आवाजाही में सहूलियत मिलेगी। नगर निगम की नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने शहर में विकास कार्यों को गति देना शुरू कर दिया है। खलीनी वार्ड से पार्षद चमन प्रकाश ने कहा कि 3 वर्षों से खलीनी बाजार की सड़क की हालत खस्ता थी और लोगों की भी काफी समय से मांग थी कि सड़क पर मेटलिंग की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे वार्ड में खस्ता हाल सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं वार्ड से पार्षद चमन प्रकाश ने वार्ड में कार्यालय खोलने को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि वे अपने कार्यालय में लोगों के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी जो हमने ये है, आज से ही हमने कार्यालय खोला है और मैं 10 से 5 तक बैठूंगा। अगर बीच में नहीं भी होता हूँ तो मैंने टेलीफोन नंबर लिख दिया है और मुझे संपर्क किया जा सकता है। लोगों के काम हम कर रहे हैं। आज भी लगभग 50-60 लोग आ चुके हैं, मिल चुके हैं मुझसे, और सबके काम कर रहा हूं मैं। जो जो समस्याएं सुन रहा हूं, वार्ड में भी जा रहा हूं, हर इलाके का मैं दौरा भी करूंगा। आज मैं यहां नीचे हरिकुंज कॉलोनी और इसके आसपास झंझीडी तक मैंने यहां दौरा किया है, लोगों से मिला हूं, वहां की समस्याएं जानी है। लोग टेलीफोन से भी मुझे बुला रहे हैं और समस्याएं बता रहे हैं, तो सबका निदान किया जाएगा धीरे धीरे। ये कोई ये ना सोचे कि भाई अभी पार्षद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं मतलब टेलीफोन नंबर लिखा है दरवाजे में भी, मुझे टेलीफोन से भी संपर्क कर सकते हैं और मैं उनको समय भी दे रहा हूं और लोगों के पास भी जा रहा हूं। 3 वर्षों से जो है इसकी हालत खस्ता थी। बीच बाजार से जो चिंतपूर्णी चौक से जो रास्ता जाता है, इसकी हमने टायरिंग करवाई आज, और डिपो के पास भी काफ़ी पीछे को जो मतलब पीछे जाती है सड़क, उसमें भी खड्डे थे काफ़ी, ये हमने आज करवा दिया है। अब काली माता मंदिर के पास थोड़ा सा हमारा रोड बचता है MC का, और जो निगम बिहार से सड़क नीचे उतरती है उसमें भी हमने टायरिंग करवानी है। अपने वार्ड में जितने भी कॉरपोरेशन के हमारे रोड है, हम उनको पूरी तरह से दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी असुविधा हो रही थी। इसमें खलीनी वाले रोड में तो बहुत ज़्यादा खड्डे थे और इसमें काफ़ी हादसा होने का खतरा था। पास छोटा सा पैच है और जो निगम बिहार से नीचे सड़क उतरती है खलीनी के लिए बीच से, वो उस पर टायरिंग होनी है अभी।